Hello and welcome to the 100th episode of Newsclick's Daily Roundup. I am Aditi. And I'm Prashant, and here are the major stories for the day. At least three people have been reported killed as Cyclone Fani makes landfall in Odisha. Newsclick's Bhasha Singh is on the ground in Lucknow, where she finds strong opposition for the BJP. Digital rights activist Ola Bini's appeal against 90-day detention denied. The Venezuelan Embassy in Washington is being protected by activists against the right wing. India's east coast is witnessing the wrath of Fani, the super cyclone that first formed in the Bay of Bengal on April 25th. Fani finally made the landfall today morning at around 8 o'clock in the city of Puri in Orissa. The landfall wind speed has been reported to be 175 to 180 kilometers per hour, with occasional gusts of around 200 kilometers per hour, enabling it to be denoted as a Category 4 hurricane. Till now, three people have been reported dead in a wall collapse due to the ravaging winds. Trees and electricity poles have been uprooted in Puri and Bhubaneswar, bringing the cities into a standstill. Newsclick spoke to sacked BSF Jawan Tej Bahadur Yadav, whose nomination was cancelled at the 11th hour by the Election Commission on flimsy grounds. He was to take on Prime Minister Narendra Modi from Varanasi parliamentary constituency. Tej Bahadur was earlier terminated from service after he had posted a video on Facebook complaining about bad quality food allegedly being served to the jawans in the security forces. Let's have a look at the interview. पिछले 5 साल में दो चीज एक नया नैरेटिव डोमिनेंट रहा है राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह और उसमें हमेशा सीना को घसीटा गया है कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो कभी ये वो पूरी राजनीति सेना पे हुई है कितनी ईमानदारी थी इस राजनीति में चूंकि आप बीएसएफ में आपने सर्व किया है फ्रंट लाइन आपका डिफेंस होता है आर्मी आपके पीछे होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितनी सच्चाई है उस दावे में देखिए इससे पहले आप खुद पूरा देश को सोचना चाहिए कितने आतंकी हमले हुए और इनके दौरान कितने हुए अगर दी वाकई में इन्होंने फौज के लिए 1% भी काम किया होता तो इनके राज में 997 जवान आत्महत्या नहीं करते 775 जवान आतंकी हमलों में नहीं मारे जाते पुलवामा हमला आपके सामने है जो ये शहीद शहीद चिल्लाते हैं इनसे एक बार ये पूछो कि ये जो जवान हैं ये शहीद नहीं है मरे हैं आज तक शहीद का दर्जा दिया है इन्होंने क्या किया इन्होंने ये ओआरओपी की चिल्ला रहे हैं तो इनको ये पूछिए कि जिस दिन मेरा रोड से हो रहा था सेना के जवान यहाँ मेरे साथ रोड पे खड़े होकर कह रहे थे कि हमें ओआरओपी नहीं मिला क्यों झूठ बोल रहे अगर ये सेना के लिए कुछ करते तो सेना के जवान इनके लिए खिलाफ रोडों पर क्यों आते इन्होंने सिर्फ सेना को बदनाम किया है सेना का मोरल डाउन किया है सेना इनके खिलाफ बड़े गुस्से में पूरी सेना क्या ये मान लिया जाए कि तेज बहादुर डर गए हैं उनको किसी तरह से डराया गया है और दूसरा सवाल ये कि अभी आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे आप ये कह रहे थे कि आपको बीजेपी से पैसे का ऑफर आया है कितनी सच्चाई है इन दावों में क्या कहेंगे आप इन पर नहीं ऑफर तो ये हर तरह की कोशिश करते हैं जैसे पहले मुझे धमकियाँ दी जाती थी आप पीछे हो जाइए इनको पता है एक फौज का जवान है धमकियों से डरेगा नहीं जब मेरे बच्चे की डेथ हुई उसके बाद ये पता लग गया कि ना तो ये पैसे से खरीदा जा सकता है ना इसको धमकाया जा सकता है तो अब इन्होंने ये रास्ता अपनाया धोखाधड़ी करके और मेरा नामांकन रद्द करवाया इन्होंने तो इनको तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ जब तक मेरी सांस चलेगी इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का प्रयास करूँगा मैं 14 constituencies in Uttar Pradesh will go to polling in the fifth phase of polls on May 6. Lucknow is one of these constituencies. Senior journalist Bhasha Singh visited Lucknow to speak to the locals in order to understand their key issues in the upcoming elections and to know their dissatisfaction in the last 5 years. Let's have a look. Newsclick में आपका स्वागत है. Pulse of India. जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में. जी हां लखनऊ. लखनऊ खास रहा है क्योंकि यह भाजपा का गढ़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का लंबे समय तक ये संसदीय सीट रही है इसके अलावा यहाँ आरएसएस का बहुत पुराना काम रहा है हमने लखनऊ शहरी और लखनऊ ग्रामीण दोनों को कवर करने की कोशिश की और जानना चाहा कि जो गठबंधन है गठबंधन आखिर कितना कारगर है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जो गठबंधन है क्या उसने वाकई कोई आशा की किरण जगाई है या भाजपा की जो गहरी पैठ है वह कारगर रहेगी साहब जब से ये लोग बैठे हैं तब से तो मैं सोचता हूँ कि सारा पैसा इन लोगों ने ले लिया मेरा 2500 रुपया डाला मैंने और मेरा रुपया उसमें काउंटर से गायब वो कहते वो अरे क्या होता कंप्यूटर सर्विस में चला गया
अब बताइए साहब, ये 2,500 रुपये अगर आप काट लेंगे, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी के 1,000 डाल आया, विकलांग भी हूँ, फालिस का रोगी हूँ, एक हाथ एक तार खराब है मेरा, तो साहब कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग इतना पैसा मेरा जमा होने पर आप काट लेंगे, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ कि साहब पैसा मेरा क्यों कट रहा, तो आप कह रहे हो कंप्यूटर सर्विस में कट गया है, ये कौन सी बात हुई साहब? बात क्या है, जब से नोटबंदी बहुत दिक्कतें हुई लोगों को, अब यहाँ तक कि नोटबंदी में बैंक में भी दिक्कतें कि आप पैन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, तब हमारा ही पैसा फंसा हुआ, हम नहीं निकल पाता। जब से ये सरकार में ऐसा सिस्टम हुआ है कि हर इंसान परेशान हो गया, रोजगार दे नहीं रहे हो, जो आदमी इस फुटपाथ पर सड़क पर काम कर रहा है उसको लगाने नहीं दे रहे हो, तो ये समस्या तो ही है। हम देंगे बहन जी का, चाहे मोदी गोली मारे और चाहे राखे, बहन जी कोई काट नहीं, लेकिन उनका शासन सख्त था, उनके जमाने में कोई तुरंत एक्शन लेती थी। मोदी जी यहाँ कभी आए, यहाँ जा रहे थे लोग दर्शन करे, गाड़ी भगाई नहीं चलेगी, अरे रुकना चाहिए 2 मिनट। कुछ नहीं का मिला है, कहा बताओ, ना लेटर ही मिले, ना कोई पेंशन मिले, ना कुछ ही मिल रहा है, सारे खेत चल गए। यहाँ वो बताया था, क्या बोलते हैं कि वो गौशाला बनेगी, गौशाला भी नहीं बनाया, ना शौचालय आए हम लोगों के, ना ही बोले थे 15 लाख, सब तो झूठे वादे कर रहे हैं मैम ये लोग, हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, किसी को रोजगार दिया अभी तक। इन आवर इंटरनेशनल सेक्शन वी फर्स्ट गो टू इक्वाडोर, वेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड प्राइवेसी एक्टिविस्ट ओला बिनी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन जेल आफ्टर हिज प्ली अगेंस्ट प्री ट्रायल डिटेंशन विच रिजेक्टेड बाय कोर्ट इन कीटो यस्टरडे। द जजेस ऑफ द कोर्ट बाय 2-1 मार्जिन rejected the appeal which is filed in April. The Ola Bini was first arrested in April 11th and in a hearing 2 days later was sentenced to detention on charges of breaking into a computer system. Even in the first hearing, the prosecution had failed to provide any concrete evidence. It was against this that Ola Bini's lawyers filed the appeal. In the hearing yesterday, the prosecution yet again failed to provide any concrete evidence. One of the charges presented by the prosecution was the fact that Ola Bini was friends with Julian Assange. The only evidence that they were able to provide regarding the wrongdoing was the fact that Ola Bini had visited Assange once, and the fact that he owned a number of books and encrypted technological devices. The presentation of this evidence by the prosecution led to much laughter in the court. However, despite the flimsiness of this case, the judges decided by 2-1 margin to not let Bini walk free. Ola Bini's case has led to a lot of controversy across the world, with activists, writers and intellectuals releasing a statement asking the Swedish government to intervene in the case, as Ola Bini is a Swedish citizen. After yesterday's trial, Ola Bini's lawyer said that there are no words to describe what happened yesterday and that the team felt very humiliated and disturbed. He also said that this decision would be condemned in Ecuador and abroad. In our second story, we go to Washington DC, where activists are defending the Venezuelan embassy against a right-wing takeover bid. The right-wing has besieged this embassy and is preventing the supply of food and other essentials to the activists who are inside. The activists are mobilized under the banner of the Embassy Protection Collective and went into the embassy a few days ago after getting permission from the democratically elected government of Nicolas Maduro. Since April 30th, when the self-proclaimed right-wing president Juan Guaido once again tried to seize power, right-wing forces have been gathering outside the Venezuelan embassy in Washington, D.C. These opposition forces have hurled abuse and physically assaulted these activists who are inside the embassy to defend it and defend the legitimacy of the government of Nicolas Maduro. Over the past few days, attempts to supply food have been blocked by these opposition forces. Ariel Gold, one of the activists, tried to actually supply food to her comrades inside the embassy but was blocked. After that, she actually threw the bread inside but was promptly arrested by security forces who charged her with throwing missiles and simple assault. A few hours later, Ariel Gold was released and went back to the embassy premises, but was once again beaten up by opposition supporters. Similar scenes were also witnessed over the past few days outside the Venezuelan embassy in Buenos Aires in Argentina as well. Here is some footage of the protests by the right-wing forces and attempts by the Embassy Protection Collective to defend the embassy. ¡Mierda de aquí! ¡Mierda de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda!
The activists are inside. They're not letting us get food in. Although we did actually manage to get some food in. I think they're okay, but it's a siege that's going on now. And it's very dangerous because this crowd can get very physical. They have physically assaulted us. They verbally abuse us. Our people are nonviolent. Their people are not. So I think it's a dangerous situation, and I'm surprised that the police are not doing a better job of keeping the peace. What police are doing here, essentially? Well, they're basically just watching, and yet when we tried to get food in and we're throwing it down here, the police arrested two of our people for doing that. I can handle no food and then go back in. That is it for today. To learn more about these and many such important stories, visit our website www.newsclick.in. Subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. Thanks for watching.